बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे। अभी हमारा थर्ड ईयर चल रहा है, जहाँ हमने एडमिशन किया था उनको बस 60 सीट्स है, इन्होंने एडमिशन लिए 200 स्टूडेंट्स का। अभी हमें चल रहा है पता 3 साल के बाद जो हमारी डिग्री है वो वैलिड ही नहीं है। लड़कियों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को सेटिस्फाई करा कि तुम लोगों को यहाँ पे सीट मिलेगी, लड़कियों को बोला कि वहाँ पे मिलेगी, ना तो उन्हें वहाँ पे मिली ना तो यहाँ पे लड़कों को पूरी मिली। सर प्रभजोत है, सर प्रभजोत मेन जो मुद्दा है, सर प्रभजोत वही बच्चों को लाता है, फ्रॉडबाज वही करता है सर। जो बच्चे ने उन्हों दी कुछ मंगा सीगियां रीना बारे एसडीएम साहब ते एडीसी साहब वालों दे पुलिस वालों डिटेल दे विच उन्हों दी गल सुनी गई है, ते इहदे बारे जो कॉलेज नू जो बंदी डायरेक्शंस ने वो दित्तियां गईयां ने ते बच्चियां नू आश्वासन दवाया गया। जिला श्री फतेहगढ़ साहब के हलका अमलोह विखे पैंदी देश भगती यूनिवर्सिटी विच उस समय हंगामा खड़ा हो गया जदों नर्सिंग दे विद्यार्थियों वालों यूनिवर्सिटी के खिलाफ रोस प्रदर्शन करते हुए जिथे गोबिंदगढ़ नाभा स्टेट हाईवे जाम कर दिता ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ INC ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ INC ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। एक्चुअली ना हमने जब एडमिशन किया, अभी हमारा थर्ड ईयर है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे, अभी हमारा थर्ड ईयर चल रहा है, जहाँ हमने एडमिशन किया था उनको बस 60 सीट्स है, इन्होंने एडमिशन लिए 200 स्टूडेंट्स का। अभी हमें चल रहा है पता 3 साल के बाद जो हमारी डिग्री है वो वैलिड ही नहीं है। 2 हफ्तों से हम कोर्ट जा रहे हैं, हम SDM सर के पास गए, हम SHO सर के पास गए, DSP मैम के पास गए, वो मतलब दो वीक से बस वो देख रहे हैं कि बात करेंगे इनके साथ, ये बोल एफिडेविट देंगे, चांसलर सर ने बोला हम साइन करके देंगे फिर वो। हाँ, और हमारा कॉलेज, हम भी बिना बताए हमारा कॉलेज भी चेंज हुआ था, फिर हमारे जो फाइल्स थी एडमिशन के टाइम पे उन पे उन्होंने खुद ही सिग्नेचर किए थे, फेक फाइल्स बनाए थे, जो हमारी फाइल्स थी उनको पता नहीं कहाँ पे रख के खुद ही उन्होंने अपनी फाइल्स बनाए थे, उन पे हमारे सिग्नेचर्स किए। DSP मैम ने वो फाइल्स खुद भी देखी लेकिन इन पर कोई FIR फाइल नहीं किया, हमने बोला था FIR दर्ज की जब लेकिन किया नहीं कुछ, इसीलिए अब हम मजबूर होकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन कोई, आप यहाँ पे इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है, लड़कियों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है, कुछ लड़कियाँ तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। हाँ, और मुझे खुद स्टिचेस आई है 2-4, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम कब से उनको बोल रहे हैं आ जाओ हमसे बात करें लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन प्रभजोत सर है जो सबसे बड़े चोर है, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, 3 सालों से बस हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हम घर से तो रोड ब्लॉक करने नहीं आए थे, यहाँ पे पढ़ने आए थे, हम सोच रहे अब घर वाले 1 साल रह गए हम क्या डिग्री लेके जाए घर, इसीलिए अब हम मजबूर होके यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। बस 60 स्टूडेंट्स है जो सेफ है, 60 के बाद जो भी आते हैं 134 है इनको अभी थर्ड ईयर में, जो भी है बस वो तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद ही है, इनकी वजह से तबाही क्या दे इन्होंने हमें, अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है थर्ड ईयर में कहाँ, या हम बोल रहे वो करेंगे ये करेंगे लेकिन बार बार भी अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं, एक दिन एक स्टेटमेंट देते तो दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट ही चेंज करते हैं। अब हमें इनको, हमने बोला कि प्रभजोत सर को लेके आए, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, एक ज्वरा सर है जो चांसलर है वो सबसे बड़े चोर वही है, अभी तक वो सामने नहीं आए।
अब पुलिस पुलिस आई है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम 56 गर्ल्स हैं, हम सारे अपनी जान दे देंगे, बस हमारे पास एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास या तो हाँ। लेकिन हम यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं छोड़, जिसने हमारे साथ गलत किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमारा फ्यूचर तो है ही खराब, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, घर वालों को तो हम फेस कर ही नहीं सकते। हम कश्मीर से है, बिहार से, हरियाणा से, एमपी से है, इतने दूर दूर से हम आए हैं, ये सब करने के लिए तो नहीं आए हैं हम यहाँ पे। इसीलिए हम अब यही चाहते हैं जितना हो सके ना इस न्यूज को वायरल कर दीजिए, या तो यूनिवर्सिटी पे ताला लगा दे, हमारा फ्यूचर तो है ही खराब, हो गया ही बर्बाद, लेकिन हम इनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। या तो बस हमारा एक ही यही है, या तो हम सुसाइड करेंगे, हम सारी गर्ल्स हैं, हम सुसाइड, क्योंकि हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन ये है। तो जब तक हमारा मसला सॉल्व, और अगर हो सके तो प्लीज हमारी बात आईएनसी तक पहुंचा दीजिए, एक वही है जो हमारे मसले का हल कर सकती है। जी, मेरा नाम आकिब है। वजह क्या है जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है? वजह ये है कि देखो, हम देशभक्त यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग हमारा बैच जो है 2020 का है, ठीक है, 2020 का है। हम स्टूडेंट यहाँ पे सीट्स मिली है इनको 60 सीट्स आईएनसी की तरफ से, लेकिन जहाँ बच्चों की बात करें वहाँ पे बच्चे अराउंड 160-170 इन्होंने ले रखे हैं, एडमिशन ले रखे हैं, ठीक है, एडमिशन ले रखे हैं। तब जब बच्चों को बात पता चली कि ऐसा 60 सीट्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रपोज किया दूसरा कॉलेज, लड़कियों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को सेटिस्फाई करा कि तुम लोगों को यहाँ पे सीट मिलेगी, लड़कियों को बोला कि वहाँ पे मिलेगी, ना तो उन्हें वहाँ पे मिली, ना तो यहाँ पे लड़कों को पूरी मिली, ठीक है, किसी को कोई हक नहीं मिला। बहुत टाइम से यहाँ पे भी 7-8 दिन हम बच्चे सोए थे सड़क पे, आपको मैं पता होगा यहाँ पे सोए थे पिछले साल हम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एसडीएम से लेटर एक आया जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है इनकी नजर में, इनकी नजर में पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा इस चीज का। अभी बच्चे परेशान होकर 15 दिन से रात को दिन को ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, यहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आता है। जिन्होंने एडमिशन लिए हैं एक्स्ट्रा, वो जवाब देंगे, वो उन्हीं बच्चों को सीट देंगे। हमें अपना हक चाहिए, हमें 3-4 साल गुजारे यहाँ पे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिफंड नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें वो 4 साल का मेहनत जो हमने किया उसके बदले हमें अब हमारी डिग्री चाहिए, जो प्रॉमिस किया था देशभक्त ने वही हमें चाहिए। ए ब्लॉक में सर 130 बच्चे लेते हैं जिनको बोल रखा है आईएनसी है, जबकि 30 बच्चों को आईएनसी ना, कुछ बच्चे उनमें से बोल रहे हैं कि हमें रिफंड चाहिए, उन बच्चों को रिफंड मिलना चाहिए जो सरदार लाल सिंह अंदर, तो उनको सर रिफंड चाहिए कुछ बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के हैं, बाकी किसी को नहीं चाहिए। सर थर्ड ईयर वाले क्यों रिफंड लेंगे सर? फर्स्ट ईयर वाले बोल रहे कॉम्प्रोमाइज, चलो कोई ना एक साल बर्बाद हुआ है सर, इसलिए रिफंड पहले बोल रहे हैं सर, बार बार ये बोलते हैं तुम्हें देखेंगे, बार बार ये बोलते हैं तुम्हें डिग्री नहीं देंगे, इसलिए सब बच्चे बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं भाई रिफंड डल जाए, इसलिए जा रहे हैं। नहीं इनको सर आईएनसी से रिपोर्ट नहीं, सर 100 सीट है, बच्चे लेते हैं सर 200, सर कहाँ से 100 बच्चों को, कुछ बैच में सर 60 सीट है, ये बोलो सर 200 सीट लेते तो कहाँ से सर आईएनसी लाएंगे 100 बच्चों को, सर अवेलेबल सर 100 बच्चे हैं सर आईएनसी ने, जो बच्चे सर एक्स्ट्रा है जो ए बिलोंग क्लास लेते हैं, कुछ बच्चे असलाल में लेते हैं, उनको कुछ उनको बच्चों को मिल रहा है, कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा। और सर दूसरी बात सर ये अपने सर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं दे रहे सर ये, और जो ए बिलोंग क्लास है 30 बच्चे एक्स्ट्रा हैं जो जिनपे पीएनआरसी से, इनको कुछ नहीं पता सर पीएनआरसी है नहीं, पर ये बोलते हैं आईएनसी है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड लेना चाहते हैं सर, उनको फुल पेमेंट से पेनल्टी के साथ उन्हें रिफंड दिया जाए। सर प्रभजोत है सर, प्रभजोत मेन जो मुद्दा है सर, प्रभजोत वही बच्चों को लाता है, फरोडबाजी वही करता है सब कुछ, वही बच्चे है सर, सर यही बच्चे जिनके थर्ड ईयर सर, वो सर घर क्यों जाएंगे, उन्हें सर अपने वैलिड उन्हें सर डिग्री दी जाए, प्रभजोत को पुलिस वैलिड डिग्री दी जाए सर, प्रभजोत हूँ सर उसको तो सर मैं सर उसे पुलिस थाने ले जाए सर, सिस्टम सर। तीसरी बात सर ये जो सर तीसरी बात ये है जिन बच्चों के सर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले बच्चे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको सर आईएनसी अपोर्ट दी जाए डिग्री सर, तो तुम फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इसलिए रिफंड मांग रहे हैं, नहीं वो भी बोल सकते हैं हम आईएनसी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं घर वाले बोल रहे हैं सर रिफंड डलवा लो, ये बार बार ये बोलते हैं कि तुम्हें डिग्री हम देंगे, तुम्हें बताएंगे 4 साल 10 साल में डिग्री नहीं देंगे, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड डलवाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं उन्हें हाईलाइट करा जा रहा है, उनको सर टारगेट किया जा रहा है, उनको डिग्री नहीं देंगे, इसलिए वो बच्चे रिफंड डलवाना चाहते हैं। हम डॉक्टर प्रदीप कुमार है और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट का जो थोड़ा नाराज़गी है उसके ऊपर हम स्टूडेंट के साथ हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। ये हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आई हुई है और
ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। सो माई अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट दे मस्ट टेक इट कूल एंड वी आर देयर विद देम एंड वी विल डू एवरीथिंग इन देयर इंटरेस्ट, इट इज़ आवर प्रॉमिस। थैंक यू। दिक्कत थोड़ी उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में है। हम उनको अश्योरेंस देते हैं कि उनके स्टेट में उनका नर्सिंग के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ये कभी नहीं हो सकता कि नहीं होगा, उधर होगा, पर उनको थोड़ा समझाने में भी हम असफल रहे हैं। आई एम श्योर टुमारो वी विल हैव अ मीटिंग, वेरी नाइस मीटिंग, एंड वी विल कन्विंस देम। ये सारे नर्सिंग कॉलेज में सरदार लाल सिंह नर्सिंग इंस्टीट्यूट उसे 100 सीटें जी हमारे पास PNRC का अप्रूवल है और वी विल मेक श्योर दैट दे गेट रजिस्टर्ड इन देयर स्टेट, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टेलिंग देम and I'm sure tomorrow they will be convinced about it. aur ye bachcha di manga bhi unko INC to approved jodi degree chahiye, ha wo bhi ho jayega because that is also in process, it will happen, there we are very positive about it and it is just it will take few days, it will be done. jehda ajj the desh bhagat university de vich dhanna lagaya gaya hai, ek kuch students ne jehde nursing college de students ne desh bhagat nursing college ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ AD ਸਾਹਿਬ, SDM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕੇਡਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਦ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।